हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ऐसे साइट इंजीनियर, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और खासकर वो प्रोजेक्ट कंक्रीट के वर्क का है, तो ऐसे साइट इंजीनियर अगर आपकी साइट पे कंक्रीटिंग होने वाली है या कंक्रीटिंग करने के आप प्लान कर रहे हैं, तो जिस दिन आपको कंक्रीट करना है उस दिन के कुछ समय पहले आपको क्या करना होता है, कंक्रीट की रिक्वेस्ट स्लिप, जो भी आपका बेचिंग प्लांट्स है या जहाँ से आप कंक्रीट परचेस कर रहे हैं वहाँ के जो क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज हैं या जो प्लांट इंचार्ज है उनको देना होती है। उस कंक्रीट रिक्वेस्ट स्लिप या कंक्रीट रिक्वेस्ट स्लिप में आपको क्या क्या जानकारी भर के उनको पहुंचाना होती है जिसके अगेंस्ट आपको वो कंक्रीट की डिलीवरी कर सकें। तो फ्रेंड यही दो पॉइंट, जो कंक्रीट की रिक्वेस्ट और कंक्रीट की डिलीवरी, इन दोनों जो प्रोफार्माज होते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या क्या जानकारी उनमें हमें देना होती है, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करते हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। पहले बात करते हैं कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप या कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप की। फ्रेंड जानकारी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बेसिक जानकारी है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे तो इनका लॉस आपको बहुत अधिक उठाना पड़ सकता है। तो कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप में हमें क्या क्या जानकारी लिखना है, चाहे तो आप इस प्रकार से एक्सेल शीट जो आप देख रहे हैं आप आपके कंप्यूटर्स पे बना लीजिए, या चाहे तो आप हैंड रिटन इनको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको काफ़ी बेटर रहेगा बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो हमें क्या लिखना फ्रेंड, यहाँ पर हमें लिखना बेचिंग प्लांट नंबर। बेचिंग प्लांट नंबर में हम क्या लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो बेचिंग प्लांट है वो है ACC सीमेंट इंदौर। हमने यहाँ पे बेचिंग प्लांट नंबर या बेचिंग प्लांट का नाम यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमें लिखना है कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप नंबर। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए दोस्तों, कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप नंबर में हमें जानकारी देना है। देखिए अगर हमारी कॉन्क्रीटिंग पहले से चली आ रही है तो ऐसे ही प्रोफार्मा हमने पहले भी रेडी कर रखे होंगे, लेकिन अगर हम कॉन्क्रीट स्टार्ट करने ही वाले हैं तो हमें कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप में स्लिप का नंबर देना है और डेट देना है कि हम कितनी तारीख को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट स्लिप नंबर में हमने लिख दिया, मान लीजिए इसके पहले हम 9 रिक्वेस्ट और डाल चुके हैं, ये हमारी 10वीं रिक्वेस्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10 और तारीख लिख दी कितनी तारीख को हम ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो तारीख हम दे देंगे यहाँ पे 9/8/2021। 9/8/2021 मीन्स 9 अगस्त 2021 को हम रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है ACC सीमेंट इंदौर पे, जहाँ से भी हम कॉन्क्रीट परचेस कर रहे हैं वहाँ पर। फिर हमें इस प्रकार से टेबल प्रिपेयर करनी, उसमें 3 कॉलम हमें बनाने हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 8 तक, सेकेंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, जो भी हमें डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं वो हमें डिस्क्रिप्शन में लेनी है, और उस फिर यहाँ पे तीसरी कॉलम में हमने लेना है रिक्वायरमेंट्स, यानी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हमें चाहिए हैं कंक्रीट के लिए। तो सीरियल नंबर 1 पे हम चलते हैं, नंबर 1 कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड ऑन डेट, यानी हमें जो कॉन्क्रीट की हमें रिक्वेस्ट डाली है वो हमें ज़रूरत कब है, तो हमने यहाँ रिक्वायरमेंट में लिख दिया है कि हमें 11 अगस्त 2021 को हमें कंक्रीट की आवश्यकता है। कंक्रीट रिक्वायर्ड 8 टाइम, कितने बजे आवश्यकता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग 8:30 AM को हमें कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर 3 में हमने लिख दिया है नेम ऑफ स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर के लिए हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमें जानकारी यहाँ देनी चाहिए। तो नेम ऑफ स्ट्रक्चर में हमने लिख लिया कि हमारा स्लैब है S2, यानी कि नंबर 2 की स्लैब हम कास्टिंग कर रहे हैं। नंबर 2 हमारा ब्रिज हो सकता है, बॉक्स कलबट हो सकती है, कुछ भी XYZ कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमें लेना है लोकेशन, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जब भी हम जो मिलर आएगा, ट्रांजिट मिक्सर आएगा, तो उसको लोकेशन देना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने यहाँ पे लोकेशन में लिख दिया है खंडवा रोड चैनेज 35+400 मीटर, यानी कि खंडवा रोड का चैनेज 35+400 मीटर का जो चैनेज है वहाँ पर हमें कंक्रीट की लोकेशन है और वहाँ पर हमें कंक्रीट का पोरिंग करना है।
फिर नंबर 5 में हमें लेना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सी ग्रेड की कंक्रीट हमें यूज करनी है, तो वो हमें स्पेसिफाइड है दोस्तों, आपको ये जानकारी होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी आप अपनी सीनियर अथॉरिटी से पूछिए कि जो हम स्लैब में कास्टिंग कर रहे हैं, कॉलम बीम या गर्डर जो भी कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें किस ग्रेड की कॉन्क्रीट हमें डालनी है। जनरली जो स्लैब वर्क होते हैं उसमें M25 एंड अबव कॉन्क्रीट यूज की जाती है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है M30 ग्रेड कॉन्क्रीट हमें आवश्यकता है। अब नंबर 6 में हमें लेना है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि हमें टोटल कितनी क्वांटिटी लग रही है कंक्रीट की। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट हमें डालना है टोटल कंक्रीट के लिए, यानी कि जिस हमें 11 अगस्त 2021 में जो कंक्रीट करनी है उस दिन हमें टोटल कितनी कंक्रीटिंग लग जाएगी, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए डाल दिए 100 क्यूबिक मीटर हमें टोटल कंक्रीट की आवश्यकता है। नंबर 7 में हमें लेना है टाइप ऑफ सीमेंट, किस टाइप का सीमेंट हम मिक्स करना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर वर्क है या रोड वर्क भी है, तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम ओपीसी कंक्रीट का सीमेंट ही यूज करें, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है OPC 43 ग्रेड का सीमेंट। नंबर 8 में है स्लम्प रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्लम्प रिक्वायरमेंट से मतलब कि हमें जो साइट पर जो स्लम्प चाहिए है, या मिनिमम हमें 75 mm स्लम्प की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हमने 75 mm मेंशन कर दिया है। नीचे कोई अदर रिमार्क्स हो तो यहाँ पे रिमार्क्स आप लिख लीजिएगा, यानी कि कुछ टेम्परेचर वगैरह ही कुछ कंडीशन आपको देनी है, कि मान लीजिए आपकी हॉट क्लाइमेट है तो आपको उनको चाहिए कि आप उनसे बोलिए चिल्ड वाटर उसमें यूज करें, या मान लीजिए फ्लाई ऐश मिक्स करना है तो उनको फ्लाई ऐश यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और भी कोई अदर थिंग अगर मेंशन करनी है तो आप रिमार्क में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको साइट इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उनसे इसको अप्रूव कराकर ये जो रिक्वेस्ट स्लिप है इसको आपको कंसर्न जो बेच प्लांट है, कॉन्क्रीट प्लांट है, उस पर सेंड करना होता है। चलिए रिक्वेस्ट तो हमने डाल दी कंक्रीट की, अब हमें कंक्रीट की डिलीवरी करनी है। तो कंक्रीट डिलीवरी या इशू स्लिप कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम कैसे तैयार करते हैं, तो को बहुत सी जानकारियां हैं जो हमें कंक्रीट की रिक्वेस्ट स्लिप से यहाँ पर लेनी होगी। जैसे हम बेचिंग प्लांट का नाम ACC सीमेंट इंदौर हमने यहाँ पर लिख दिया है एज इट इज कंक्रीट डिलीवरी इशू स्लिप नंबर, यानी हम जो हमारा जो रजिस्टर है, हमारा जो सीरियल नंबर या डिस्पैच नंबर चला आ रहा है वो हमें यहाँ पर डालना है। तो हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट डिलीवरी स्लिप नंबर लिख दिया है 132/10/8/2021, यानी कि 10 अगस्त 2021, और स्लिप नंबर 132 से हम ये कॉन्क्रीट है वो डिस्पैच कर रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, डेट हमने लिख लीजिए यहाँ पर किस डेट में हम डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10/8/2021, ठीक है। ट्रांजिट मिक्सर नंबर जो हमारा TM है, ट्रांजिट मिक्सर है, उसका व्हीकल्स नंबर क्या है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है MP09HE3232। ट्रांजिट मिक्सर्स अराइवल टाइम 8 BP, BP का मतलब है बेचिंग प्लांट पर जो हमारा ट्रांजिट मिक्सर है वो कितने बजे आ गया था, तो वो हमने मेंशन कर दिया टाइम 7:15 AM मॉर्निंग में हमारा ट्रांजिट मिक्सर हमारे पास आ गया था। डिलीवरी डेट क्या है, किस डेट को हमने डिलीवरी की है, तो वो है 10 अगस्त 2021। नेम ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने रिक्वेस्ट स्लिप से लिया है, स्लैब H2 हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर, देखिए यहाँ पर हमने लिया है 395 kg, ये डिपेंड करता है हमारी जो कंक्रीट की मिक्स डिजाइन है, जो कि हमें जो हमारे क्लाइंट होता है, या अगर हम बेचिंग प्लांट पे वर्क कर रहे होंगे तो हमारे पास जो रिकॉर्ड रहते हैं मिक्स डिजाइन के, उस मिक्स डिजाइन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो वैल्यू फीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 395 kg सीमेंट यूज किया है स्लम्प 8 बेचिंग प्लांट। जब हम ट्रांजिट मिक्सचर में कंक्रीट का जो ट्रांजिट मिक्सचर में कंक्रीट ले रहे होंगे या प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम जो स्लम्प है वो हमारा जो रिक्वेस्ट स्लम्प है, जैसे हमने रिक्वेस्ट में 75 mm स्लम्प मांगा था, तो हम हमेशा उससे 15-20 mm ग्रेटर रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है फ्रेंड, क्योंकि ड्यूरिंग जो हमारा जो ट्रांजिट मिक्सर है जब साइट पर जाता है तो उस दौरान उसका जो वाटर है उसका एवोपरेशन भी हो जाता है, जिससे उसका स्लम्प है वो कम हो जाता है। इसलिए हम ऐसे टाइम ऑफ जो कंक्रीट का जो हम पोरिंग कर रहे हैं, माफ कीजिए, कंक्रीट का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें स्लम्प थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना होता है, तो इसलिए हमने प्लांट पे स्लम्प लिया है 90 mm। कंक्रीट रिक्वेस्ट स्लिप नंबर जो कि हमने रिसीव की थी वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। ट्रांजिट मिक्सर डिपार्टर टाइम 8
बेचिंग प्लांट। बेचिंग प्लांट से हमारा ट्रांजिट मिक्सर कितने बजे निकल गया है, तो हमने लिख लिया 8:15 AM। कॉन्क्रीट डिलीवरी टाइम, यानी कि जो ट्रांजिट मिक्सर हमारा प्लांट से निकला है वो साइट पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 20 मिनट। जनरली अगर हमारी कॉन्क्रीट का जो बेचिंग प्लांट से जो साइट का डिस्टेंस है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 30 मिनट हमारी कॉन्क्रीट आफ्टर प्रोडक्शन साइट पर पहुंच जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने 20 मिनट मेंशन कर दिया है। लोकेशन लिख दिया है खंडवा रोड चैनेज 35+400 मीटर। टाइप ऑफ सीमेंट लिख दिया है OPC 43 ग्रेड, जो कि हमें रिक्वेस्ट में मिली थी। टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, जो हमारा ट्रांजिट मिक्सर है उसके अंदर कितने क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट हमने उसमें दी हुई है। अब कम्युलेटिव क्वांटिटी डिलीवर्ड, यानी कि जो हमारी 7 क्यूबिक मीटर हमने इस मिलर में ली है, इस मिलर के साथ में जो 7 क्यूबिक मीटर ली है, और इसके पहले जो हम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट स्लिप के अगेंस्ट डिलीवरी कर चुके हैं, तो टोटल कितनी क्वांटिटी कॉन्क्रीट हम डिलीवर कर चुके हैं इस रिक्वेस्ट स्लिप के अगेंस्ट, तो हमने कम्युलेटिवली 21 क्यूबिक मीटर डिलीवर कर दी है। जैसे मान लीजिए हमें 100 क्यूबिक मीटर देना है, तो अभी तक हमने 21 कर दिया है, इसके बाद हम 7 और करेंगे तो 28, फिर 35, फिर 42, इस प्रकार जब तक 100 क्यूबिक मीटर ना हो जाए तब तक हम इसको डिलीवर करते रहेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर रहती है जो कि हम मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करना होती है, जैसे ग्रेड M30, उसके मिक्स डिजाइन में सीमेंट कंटेंट कितना है। मान लीजिए उसमें मिक्स डिजाइन में था हमारा 395, तो हमने यहाँ पे 395 यूज करना है। फ्लाई एस, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने OPG सीमेंट यूज की है, इसलिए OPG सीमेंट पे हम फ्लाई एस का एडिशनल मिक्स नहीं करेंगे। सेंड, या फिर अगर आपको मेंशन किया हो फ्लाई एस, तभी आपको यहाँ पे फ्लाई एस मिक्स करनी है। सेंड की वैल्यू जो आपको मिक्स डिजाइन से लेनी है अकॉर्डिंगली, जो मिक्स डिजाइन में है एग्जैक्ट उतनी नहीं आएगी, प्लस माइनस आपका 10 kg हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने 505 kg ले लिया है। 20 mm 635 kg लिखा है, 10 mm 380 kg लिखा है, और वाटर लिखा है 178 लीटर्स। ठीक है, एंड मिक्सचर की वैल्यू लिख दी है 5 लीटर्स। रिमार्क्स यहाँ पे कोई दे सकते हैं आप, चिल्ड चाहे उसका टेम्परेचर के अगेंस्ट रिमार्क दे सकते हैं, या कोई दूसरी कोई इंपॉर्टेंट जो जानकारी है जो देना चाहते हैं वो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कॉन्क्रीट की डिलीवरी स्लिप को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो PDFs हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी और समझ भी आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, और टेलीग्राम पर भी हमें जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।